डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इसनर ट्रैवल भारत में। जैसा कि इतिहास के पन्नों में लिखा है, कई प्राचीन राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों, शहरों और कस्बों की कहानी, लेकिन ऐसी बहुत इतिहास है जो दब जाता है खंडहरों के पीछे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कई ऐसी जगह है जो आज भी सुर्खियों से बहुत दूर है। ऐसी ही एक जगह पांचथुपी। ये गांव मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है और इस गांव के नाम पंचस्तूप से लिया गया है। 8वीं और 12वीं शताब्दी तक पाल राजाओं के समय के दौरान यहां 5 बौद्ध स्तूप थे। हालांकि वो अब नहीं है और उस समय के 5 स्तूपों की वजह से इस गांव का नाम हुआ था पांचथुपी। कई लोगों का मानना है कि पांचथुपी मयूर युग के दौरान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 5वां स्तूप इसी गांव में था। ये जो मंदिर दिख रहा है हमें सामने, इसी जगह पे 5 स्तूप हुआ करता था। पांचथुपी ऐतिहासिक विरासत वाला गांव है। यहाँ की कण कण में प्राचीन इतिहास मिला हुआ है। इसके साथ ही कई ऐतिहासिक वास्तुकलाओं को यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसी ही एक वास्तुकला पांचथुपी की प्राचीन नवरत्न शिव जी के मंदिर में देखने को मिलता है। अब हम नवरत्न मंदिर की कलात्मक वास्तुकलाओं को अनुभव करने के लिए मंदिर की तरफ जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर और राष्ट्रीय खजाना है और इस नवरत्न मंदिर को पंचायतन मंदिर भी कहा जाता है। पंचायतन मंदिर एक प्राचीन उत्तर भारतीय शैली का मंदिर है जिसमें 5 अलग अलग शिखर शैली का मंदिर होता है जो एक उठे हुए बर्क आकार के मंदिर पर स्थित है। केंद्र में एक बड़ा मंदिर और चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर है। पूरे भारत में पंचायतन मंदिरों की संख्या बहुत कम है। नाम नवरत्न मंदिर है लेकिन असल में ये पंचायतन मंदिर है। नवरत्न का मतलब इस मंदिर में स्थित 9 शिवलिंग को संदर्भित करता है। केंद्रीय मंदिर सबसे बड़ा है, बाकी के 4 मंदिर आकार में छोटा है। केंद्रीय मंदिर में सुंदर टेराकोटा स्लैब की सजावट है, उनमें से विशेष रूप से ध्यान आकर्षण करता है बतखों की पंक्तियां, हाथियों की पंक्तियां, फूलों के डिजाइन, कमल के फूल और शिकार के दृश्य। इसके अलावा ज्योमेट्रिक डिजाइन, किशन भगवान जी का लीला के रूप में बहुत से पैनल उस समय के निपुण आर्ट फॉर्म को दर्शाती है और सबसे खास खड़ा हुआ श्री नारायण जी का मूर्ति भी ऐतिहासिक चमत्कार से कुछ कम नहीं।
अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और नीचे दिया हुआ बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा।